अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 11 के बाद हम स्टार्ट करने लगे आज चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 का नाम है एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा इस चैप्टर का कार्बोनाइल ग्रुप से। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है? किसे? कार्बोनाइल ग्रुप। अब कार्बोनाइल ग्रुप ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर कार्बन एटम ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ी होती है और डबल बॉन्ड के थ्रू। इस ग्रुप को हम नाम देते हैं कार्बोनाइल ग्रुप का। द ग्रुप ऐसा ग्रुप जिसमें इन विच जिसमें क्या काम हो? द ग्रुप इन विच कार्बन एटम जुड़ा होता है। कार्बन एटम इज अटैच्ड जुड़ा हो किसके साथ? अटैच टू ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ा थ्रू डबल बॉन्ड के जरिए से इसको हम नाम देंगे इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप का नाम देते हैं। अच्छा, कार्बोनाइल ग्रुप का जो जनरल फार्मूला, एक पहले फार्मूला लिखेंगे इसका, फिर इसका जनरल फार्मूला लिखेंगे कार्बोनाइल ग्रुप का ही जनरल फार्मूला, और इसके बाद इसकी एक आधी एग्जाम्पल दे देंगे। ये तीन चीज़ें कार्बोनाइल ग्रुप के बारे में लिखनी है। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करता हूँ तो इसका फॉर्मूला आता है कि ये कार्बन एटम और ऑक्सीजन के दरमियान में दो बॉन्ड बनाने हैं, और ये वाला फॉर्मूला कार्बोनाइल ग्रुप का होता है। तो ये क्या है जी, हमने यही बात लिखी था, ग्रुप इन विच कार्बन एटम इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन एटम थ्रू डबल बॉन्ड। कार्बन एटम ऑक्सीजन के साथ किस बॉन्ड से जुड़ा हो? डबल बॉन्ड से। इस चीज़ को हम नाम देंगे कार्बोनाइल ग्रुप, डबल बॉन्ड। कहाँ पे? द इन विच कार्बन अटैच ऑक्सीजन थ्रू डबल, यहाँ बॉन्ड भी आएगा। सही है जी, यहाँ पे बॉन्ड भी वर्ड आएगा। अब इसके जनरल फॉर्मूला क्या होगा? आपने क्या करना, आर के साथ सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे भी आर लगा देना। सिर्फ जनरल फार्मूला बनाते वक्त आपने जो साइडें खाली होती हैं, जो बॉन्ड खाली होते हैं, वहाँ पे आर लगा देना। आर यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? आर मे बी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, अल्काइल ग्रुप, ये या तो अल्काइल ग्रुप होगा और मे बी, और या फिर हो सकता है और मे बी हाइड्रोजन एटम हो सकता है। एग्जांपल में क्या करना है, आप यहाँ पे क्या करें, CH3 एक साइड पे लगाएं, दूसरी साइड पे भी CH3 लगा दें, इसकी एग्जांपल बना दें। ये हमारे पास एग्जांपल बन गई। अब कार्बोनाइल ग्रुप को असल में दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक कीटोनिक ग्रुप, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप। कार्बोनाइल को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है? दो हिस्सों में। एक हमारे पास कीटोनिक ग्रुप और एक हमारे पास है एल्डिहाइडिक ग्रुप। एक हमारे पास क्या आ जाएगा? एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब कीटोनिक ग्रुप क्या होता है और एल्डिहाइडिक ग्रुप क्या होता है, ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। नहीं, अगर कीटोनिक ग्रुप की बात करूं, कहता है जी अगर आप कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों अतराफ में कार्बन एटम मौजूद हों तो उस ग्रुप को हम नाम देंगे कीटोनिक ग्रुप का। सही, क्या हो? When कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, कहता अगर कार्बन एटम मौजूद हों ऑन आइदर साइड ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन एटम मौजूद हो, देन दिस ग्रुप इस ग्रुप को हम नाम देंगे ग्रुप इज
नॉन एज, नॉन एज कीटोनिक ग्रुप, इसको हम कीटोनिक ग्रुप का नाम दे रहे होते हैं। अब सेम तीन चीजें हम यहां पे भी डिस्कस करेंगे कि ये कीटोनिक ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले नंबर पे, फिर इसके बाद हमने सेकंड नंबर पे इसका डिस्कस करना है जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसका एग्जाम्पल एक आदि, लास्ट में एग्जाम्पल को देखेंगे और लास्ट में इसके यूजेस भी देख लेंगे एग्जाम्पल। अब सबसे पहले फार्मूले की बात करते हैं, तो फार्मूला आपने कुछ इस तरह बनाना है कि यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सी लगाना है, वैसे आर लगा देते हैं, यहाँ पे हम इसके जनरल फार्मूला लिखेंगे तब इसकी सारी की सारी एक्सप्लेनेशन होगी। जनरल फार्मूला आपने यहाँ पे भी आर लगा देना, आर यहाँ पे लगा देना, बता देना आर इज अल्काइल ग्रुप, आर सिर्फ और सिर्फ अल्काइल ग्रुप होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की पॉसिबिलिटी नहीं है। आर क्या होगा हमारे पास, अल्काइल ग्रुप होगा, ये हाइड्रोजन एटम नहीं हो सकता, अगर हाइड्रोजन एटम हुआ तो एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा। अब इसके बाद लास्ट वाली चीज़ एग्जाम्पल बना दें, यहाँ पे भी सी एच थ्री लगा दें। अब यहाँ पे गौर करें, अब डेफिनेशन आपको समझ आ जाएगी, अब डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी कि डेफिनेशन बात क्या की है। ये देखें, यह हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ देखें ये कार्बोनाइल ग्रुप किससे जुड़े हुए हैं, कार्बन एटम से। अगर कार्बन एटम जुड़े होते हैं तो इसको हम नाम देते हैं कौन सी चीज़, कीटोनिक ग्रुप। अब इसके यूजेस क्या हैं, इसके यूजेस भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। यूजेस इसके दो इस्तेमाल हैं, पहले नंबर पे ये शुगर वगैरह में पाया जाता है, सही, फ्रुक्टोज वगैरह में, फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है, सही, इट इज प्रेजेंट इन शुगर, इट इज प्रेजेंट, ये मौजूद होता है कहाँ पे, इन शुगर, ये चीनी वगैरह के अंदर पाया जाता है शुगर। इसके बाद सेकेंड नंबर पर इट इज ऑल्सो प्रेजेंट, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट, ये मौजूद होता है किस में, इन कैम्फर, कैम्फर और मिथोन, मिथानॉन। अच्छा, ये कैम्फर क्या होता है, कैम्फर ये खुशबू होती है, कैम्फर खुशबू होती है, अमूमन मुर्दों को लगाई जाती है और इसकी बहुत हाई स्मेल होती है, इंटेंस स्मेल। अब मुर्दों में ये होता है कि कुछ वक्त के बाद मुर्दे के बॉडी की डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बदबू ऐसा ऐसा उमारना शुरू कर देता है। अब उस बदबू से बचने के लिए हम कुछ तेज़ खुशबू लगाते हैं, जो इतर होता है, तो जो वहाँ पे लगा रहे होते हैं वो असल में कैम्फर होता है, उसमें कीटोनिक ग्रुप पाई जाती है, कीटोन्स पाई जाती हैं, उसमें कीटोन्स पाई जाती हैं, ये हमारे पास इसके इस्तेमाल आ गए। अब इसके बाद यहाँ पे हमने डिस्कस करना है एल्डिहाइड को, एल्डिहाइड में क्या होगा कि आपके कीटोनिक ग्रुप के कम अज कम, कीटोनिक ग्रुप के साथ कम अज कम एक हाइड्रोजन एटम या दोनों हाइड्रोजन एटम भी हो सकते हैं, कम अज कम एक हाइड्रोजन एटम का होना जरूरी है। व्हेन एटलीस्ट वन, एटलीस्ट कम अज कम एक, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट, वन हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट, एटम इज प्रेजेंट, जब कम अज कम एक हाइड्रोजन एटम मौजूद हो किसके साथ, विद, किसके साथ मौजूद हो, विद कार्बोनाइल ग्रुप, विद कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, कार्बोनाइल ग्रुप, इसका हम नाम दे दें इज कॉल्ड एल्डिहाइडिक ग्रुप, इसको हम एल्डिहाइडिक ग्रुप का नाम दे रहे होते हैं। अब इसकी भी तीन चीज़ें डिस्कस करनी है, सबसे पहली चीज़ हमारे पास फार्मूला, फिर सेकंड नंबर पे जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूले के बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूले के बाद हम लास्ट में एक लिखेंगे इसके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के बाद यूज़ करेंगे, ख़त्म कर देंगे एग्जाम्पल। अगर फार्मूले की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, आपने इस तरह कुछ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक H लगा देना, कम से कम एक H का होना जरूरी है, तो यहाँ पे R लगा के जनरल फार्मूला बनाते वक्त R लगाना, R का बता देना, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, H भी हो सकता है और मिथ अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, यानी कि R जो यहाँ पे है ये या तो अल्काइल ग्रुप होगा या अल्काइल ग्रुप होगा या फिर ये क्या होगा, हाइड्रोजन एटम होगा या फिर हाइड्रोजन एटम। लास्ट में इसके एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल में क्या करना है, मैं सिंपल से लिखता हूँ H लगा के C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, इसको कहता है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है। अब इसके बाद हमने इसके यूजेस लिखने हैं, पहला यूज़ तो इसके बिल्कुल जैसा ही, यानी कि क्या है, ये शुगर में मौजूद होती है, जो आम चीनी है शुगर होती है, इसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद होता है, इसको हम इसीलिए कहते हैं पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड,
ये पहला इसका यूज है, कहाँ पे पाया जाता है? इट इज़ प्रेजेंट, ये मौजूद होता है प्रेजेंट इन शुगर, ये शुगर्स में मौजूद होगा, ये किस में मौजूद होगा? शुगर में। इसके बाद सेकंड नंबर पे, ये ऑयल वगैरह या फिर फूलों की जो फ्रेगरेंस होती है वहाँ पे भी एल्डिहाइडिक ग्रुप पाया जा सकता है। इट इज़ आल्सो प्रेजेंट, ये मौजूद होता है इन द फ्रेगरेंस, फ्रेगरेंस कहते हैं खुशबू को, फ्रेगरेंस ऑफ किसकी खुशबू में मौजूद होता है? ऑयल्स एंड फ्लावर, या फूलों की खुशबू वगैरह में भी ये वाली चीज़ पाई जाती है, फ्लावर्स। ये वाले चंद एक हमने इसके इस्तेमाल लिखे, मज़ीद हमने इसके इस्तेमाल इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। तो सिंपल से एक दो बातें कर ली हैं। मेन चीज़ जो याद रखनी है, कार्बोनाइल ग्रुप मेन हम ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप में दोनों ग्रुप पाए जाते हैं, एल्डिहाइडिक ग्रुप कब होगा और कीटोनिक ग्रुप कब होगा? जब कार्बोनाइल ग्रुप के साथ दोनों के दोनों कार्बन एटम जुड़े हों तो इसको हम नाम देंगे कीटोनिक ग्रुप का। अगर उसके साथ कम अज कम एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हो उसको हम क्या नाम देंगे? एल्डिहाइड। यह था जी हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।